गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आकाशा विद्यापीठ स्कूल. माई सेल्फ पारुल शर्मा, योर साइंस टीचर. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 6, साइंस सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घरों पर सुरक्षित होंगे और अच्छे सेहत में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर. चैप्टर नंबर 5, सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स. हमारे चारों तरफ जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं जो कि अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं या फिर एक ही मटेरियल के बने होते हैं. तो ये मटेरियल होता क्या है? मटेरियल वो मैटर है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं. जैसे डेस्क और चेयर दोनों वुड के बने हैं, पेन डस्टबिन प्लास्टिक के बने हैं, तो वुड और प्लास्टिक मटेरियल है जिससे कि मिलके वो ऑब्जेक्ट्स बने हैं. ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं और किस मटेरियल से बने हैं वो भी टेबल में दे रखा है. मैटर में वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि हम टच कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो वो मैटर कहलाता है. हमारे चारों तरफ सभी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी न किसी मटेरियल की बनी है. जैसे जो कपड़े हम पहनते हैं वो फाइबर्स के बने होते हैं, चेयर जिस पे हम बैठते हैं वो प्लास्टिक या वुड की बनी होती है, और विंडोज़ ग्लास की बनी होती है. मटेरियल द मैटर जिससे कि वो ऑब्जेक्ट बना है वो कहलाता है मटेरियल. एग्जाम्पल ग्लास, स्टील, वुड, प्लास्टिक. अब इन मटेरियल्स को इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अलग करना कहलाता है क्लासिफिकेशन. प्रोसेस है थिंग्स को ग्रुप करना उनकी सिमिलैरिटीज़ या फिर डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे. ये हमारे लिए इजी हो जाता है क्लासिफिकेशन से. अगर ग्रुप बनाते हैं तो हम उसको आसानी से पहचान पाते हैं. अब ये जो मटेरियल है ये आते कहाँ से हैं? जो मटेरियल्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल मटेरियल्स एंड मैनमेड मटेरियल्स. नेचुरल मटेरियल्स जो कि हमें डायरेक्टली प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स से मिलते हैं नेचर में. एग्जांपल है वूल, वुड, स्ट्रॉ, आइवरी. ये सब चीज़ें हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती हैं. जैसे पेपर हमें ट्रीज से मिलता है, वूल शीप से, और क्ले सॉइल से. मैन मेड मटेरियल्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो कि हमारे द्वारा बनाए जाते हैं कुछ केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा. एग्जांपल्स आर प्लास्टिक, ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स, नायलॉन, और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि मैन मेड मटेरियल्स होते हैं. नेचुरल मटेरियल्स जो हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं. मैन मेड मटेरियल्स वो मटेरियल्स जिसको इंसान ट्रांसफॉर्म करता है नेचुरल मटेरियल्स से केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा. एक ही मटेरियल से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. जैसे क्ले है, उससे हम फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं और टी पॉट भी. ग्लास से स्पेक्टिकल्स बनते हैं, विंडो की पेन बनती है, मेटल, बाइसाइकिल, टैब. प्लास्टिक से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक मटेरियल के बने होते हैं. मटेरियल की दो प्रॉपर्टीज़ होती है कि और जो सारे मटेरियल्स होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और सबका डेफिनेट मास होता है. स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, लिक्विड में वॉल्यूम होता है डेफिनेट बट नो डेफिनेट शेप. वो जिस कंटेनर में रहता है उसी का ही शेप ले लेता है. और गैसेस में ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है. नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल हो उसकी कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं.
सभी मटेरियल्स एक दूसरे से अलग होते हैं अपने साइज़, शेप, कलर, टेक्सचर और स्मेल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड से हम चेयर भी बना सकते हैं और बेड भी, बट दोनों शेप और साइज़ में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये बहुत सारे मटेरियल्स हैं, मैन मेड मटेरियल्स, जो कि हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ और यूज़ के बेसिस पे इन्हें हम अलग अलग करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। कुछ प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम देखते ही पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से अलग है, वो कहलाती है अपीयरेंस की प्रॉपर्टीज़। देखने से ही मटेरियल हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ में लस्टर होता है, मतलब शाइन होती है, कुछ में नहीं होती है। कई का कलर अलग होता है, किसी का अलग होता है, और टेक्सचर भी इसी में ही आता है। जो टेक्सचर होता है, मतलब किसी मटेरियल को छूने में वो हमें कैसा फील होता है, वो स्मूथ है या रफ है। नेक्स्ट इज़ हार्डनेस। हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे भी हम मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं, वो होते हैं सॉफ्ट, और कुछ ना तो हम उन्हें खींच सकते हैं ना ही उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं हार्ड मटेरियल्स। मेटालिक लस्टर, मोस्ट मेटल्स जो होते हैं सभी में लस्टर होता है, मतलब शाइन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, स्मूथ है या रफ है टच करने पे, वो कैसा फील होता है। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो जिससे हम आसानी से देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट जिनसे हमें हल्का हल्का पार्शली दिखाई देता है, और ओपेक जिनके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं आपके सम प्लास्टिक्स, एयर। ट्रांसलूसेंट है मडी वाटर या ऑयली पेपर, और ओपेक ऑब्जेक्ट है वुड, मेटल एक्सेट्रा। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उससे सभी सारी जो लाइट है वो पास हो जाएगी, ट्रांसलूसेंट से कुछ लाइट पास होगी और ओपेक से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब जो मटेरियल है वो वाटर में कितना घुलता है, वो कहलाता है सोल्यूबिलिटी एंड इनसोल्यूबिलिटी। ऐसे मटेरियल्स जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं वो होते हैं सोल्यूबल मटेरियल्स, और जो डिज़ोल्व नहीं होते वो होते हैं इनसोल्यूबल मटेरियल्स। सोल्यूबल मटेरियल्स जैसे अगर आप चीनी या नमक को पानी में घोलोगे तो वो घुल जाएगी, बट सैंड या फिर ऑयल को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होते हैं, ये होते हैं इनसोल्यूबल मटेरियल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डेंसिटी और फ्लोटेशन। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस जिनकी ज़्यादा डेंसिटी होती है वो डूब जाते हैं पानी में, और जिनकी कम डेंसिटी होती है वो पानी के ऊपर तैरते हैं। जैसे लीव्स जो होती हैं वो फ्लोट करती हैं वाटर में, जबकि जो रॉक्स और मेटल्स होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कहलाती है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोट मतलब पानी के ऊपर तैरना, और सिंक मतलब पानी के अंदर डूब जाना। ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, जो तैरने की या डूब जाने की, इसे बोला जाता है फ्लोटेशन। तैरना और डूबना ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे जिसे वो बने हैं और उसकी शेप पर डिपेंड करता है। फ्लोट मतलब पानी की सतह के ऊपर रहना, और सिंक मतलब पानी की सतह के नीचे चले जाना। तो इस बेसिस पर भी हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। डेंसिटी अफेक्ट करती है एबिलिटी ऑब्जेक्ट की कि वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। कुछ चीज़ें फ्लोट करती है टॉप पर और कुछ डूब जाती है। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी डूब जाती हैं और कुछ डूबने में थोड़ा टाइम लेती हैं। द नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते इजीली, वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स।
कंडक्टर्स ज़्यादातर मेटल्स होते हैं और इंसुलेटर्स के एग्जांपल हैं प्लास्टिक, वुड, एयर, रबर एक्सेट्रा। इसीलिए इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जब हम उन्हें पकड़ते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगता है। थैंक यू, दिस ऑल इन द चैप्टर। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कीप फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग हार्ड।